सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस् घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस् हामी कहिल्यै बिरामी नहौँ कहिल्यै दुखी नहौँ र कहिल्यै नमरौं हरदम मोज मस्तीमा रहौँ तर के यो सबै सम्भव छ हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौँ व्रत गर्छौँ श्राद्ध गर्छौँ कावर लिएर जान्छौँ मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौँ चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौ मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौ र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथि तर पनि दुखी किन छौँ तर के तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मिराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो

उठ्न सक्दैन थिएँ म बस्न खुट्टा मैले दुई वर्ष भएँ खुट्टा खुम्च्याएर नबसेको अनि तेस्रो मेरो एक्काइस वर्ष पेट दुखेको गर्थ्यो मलाई आठ वर्ष मैले सुतेको थिइनँ म दुई घन्टाभन्दा जितेको थिइनँ एक्काइस वर्षसम्म मेरो पेटको रोग थियो त्यसमा पनि अब मैले मेरी घर अब मैले त आठ वर्षसम्म मेरी घर हस्पिटल ओम हस्पिटल नर्वी हस्पिटल टिचिङ हस्पिटल अब मैल मैल मैले यति मात्रै थाहा छ तर मैले तिन वर्षसम्म कुनै हस्पिटल काठमाडौँमा राखेको होइन लाभ सन्त रामपालजी महाराजकी शरणमा आएपछि सबै लाभ सबै मेरो घुँडा पनि ठिक भयो पेट पनि ठिक भयो मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि अपरेसन गर्न नि परेन औषधि खान पनि परेन उहाँले दिएको दीक्षा मन्तरले र उहाँको आशीर्वादले हामीलाई सबै भक्ति सबैले गर्छन् तर उपरोक्त लाभ सद्भक्तिले मात्र प्राप्त हुन्छ आज पनि सद्भक्ति गर्ने हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई शास्त्र अनुसार भक्तिको अद्भुत लाभ प्राप्त भइरहेको छ आउनुहोस् जानौ यस्तै लाखौं मध्ये एक सद्भक्ति गर्ने श्रद्धालुको अनुभव नमस्कार नाम के होला विभा शाह विभाजी कहाँबाट हुनुहुन्छ रौटड जिल्लाको माधव नारायण नगरपालिका दुई खेसरैयाबाट विभाजी तपाईँ कुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ म मालीको दायाले बन्दी छोड सद्गुरु रामजी महाराजको दायाले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्टाफ नर्समा कार्यरत छु सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो बन्दी छोड सद्गुरु रामपालजी महाराजबाट दुई हजार बिस अप्रिल तिसको अनाम दीक्षा प्राप्त गरे सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभन्दा पहिले तपाईँ के भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुभन्दा अगाडि सोमबारको व्रत पाँच वर्ष गरे बिहिबारको व्रत एक साल जति गरे जितिया पर्व दुई वर्ष गरे कृष्ण अष्टमी पाँच वर्ष गरे शिव शिवर्चामा नि पाँच वर्ष लागेको थिए त्यसपछि जुन दसैँमा जुन पूजा गरिन्छ नि दुर्गा माताको आठ दस दस दिन जति त्यसमा नि भक्तिभावले पूजा गरिन्थे विभाजी तपाईँ हिन्दू धर्ममा प्रचलित भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो साथै विभिन्न प्रकारका व्रत बस्नुहुन्थ्यो शिव चर्चामा पनि पाँच वर्षसम्म भएको थियो अनि फेरि त्यस्तो के कारण आइपऱ्यो तपाईँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभयो हो साँच्चीकै यति भक्तिभाव पूजापाठ गर्दा नि जसरी मैले सोमबारको व्रत गर्दाखेरि गर्दा सोमबारको व्रत गर्दाखेरि यसमा भन्नुहुन्थ्यो जब जुन किताब हुन्छ नि सोमबारको कथा पढ्दाखेरि शिव ठुलो भन्नुहुन्थ्यो बिहिबारको गर्दाखेरि विष्णुजी ठुलो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो के अरे दसैँमा गर्दाखेरि दुर्गा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अब यसरी शिवचर्चामा नि अब यस्तै लाग्दा लाग्दै नि अब हुन्छ नि आफ्नो इच्छाहरू पुरा नभइसकेपछि अब शिव चर्चामा नि मैले लागेको थिएँ त्यसमा नि अब शिवजी ठुलो हुनुहुन्छ भनेर म शिव चर्चा पनि गरेँ त्यसभन्दा गर्दा गर्दै नै यसबाट मलाई कुनै पनि कन्फिडेन्सको कुनै त्यस त्यस्तो लाभ त भएन तर भगवान् हुनुहुन्छ भनेर यो सोचाइले मैले पूजा गरेका थिएँ तर त्यस्तो एउटा एउटा भन्नुहुन्छ सबै फर्क फर्क व्रत गर्दा नि फर्क फर्क भगवान् हो भनेर सबभन्दा ठुलो हो भनेर गर्दा गर्दै नि म त कन्फ्युजै थिएँ तर भगवान् छ भनेर यति मानेर पूजा गरिन्थेँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कसरी जानुभयो सबभन्दा पहिले मेरो श्रीमानले जुट्नु भयो सन्त रामपालजी महाराजको शिष्यले एउटा किताब दिनुभयो त्यो किताबले उहाँले पढेर मलाई उहाँले आफै नाम दीक्षा लिइसकेपछि मलाई नि त्यो किताबबाट त्यो ज्ञानहरू सुनाउनु भयो त्यसपछि भिडियो पनि हेराउने भयो त्यो सन्त रामपालजी महाराजको धेरै शिष्यहरूको इन्टरभ्यू पनि थियो कि यो रोग मलाई यहाँबाट आर्थिक स्थिति पनि मेन्टल सोसल इकोनोमिक एक, स्ट्याटस पनि एकदम राम्रो भएको हेल्थ पनि एकदम राम्रो भएको हेरेको जुन इन्टरभ्यूबाट जुन उहाँहरू त्यो थियो कुराहरू थियो त्यसबाट एकदमै मैले प्रभावित भएँ अनि उहाँको ज्ञान पनि सुने त्यसपछि मैले सन्त रामपालजी महाराजको नाम दीक्षा लिएँ सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई के कस्ता लाभहरू प्राप्त भए सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि मलाई पहिला सेल्फ कन्फिडेन्स हुँदैन थियो तर सन्त रामपालजी महाराज बाट नाम दीक्षा लिइसकेपछि मलाई एकदमै सेल्फ कन्फिडेन्स हुन थाले त्यसपछि मैले कुनै पनि काम गर्नलाई अब डराउँदिनँ जुन काम गरेँ नि मलाई सक्सेस हुन्छ भनेर एकदमै मलाई सेल्फ कन्फिडेन्स हुन्छ त्यसपछि उहाँ पछि नाम दीक्षा लिइसकेपछि मलाई चाहिँ लोकसेवाबाट इक्जाम दिँदाखेरि मलाई फ फर्स्टचोटिमै नै मैले नाम निकाल्न सफल भएँ म अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत पनि छु त्यसपछि मैले ऊ बिएनएसमा बैचलर नर्सिङ साइन्समा पनि स्कोलरसिपमा इक्जाम दिएँ त्यसमा नै मेरो नाम आयो त्यसभन्दा पहिला मैले अनमीमा पनि भ्याकेन्सी आइसकेपछि अनमीमा पनि इक्जाम दिएँ त्यसपछि मेरा मेरो चाहिँ अनमीमा पनि इक्जाम आइस रिजल्ट आइसकेपछि त्यसमा नि मेरो नाम निस्किन सफल भयो सन्त रामपालजी महाराजको दयाले त्यसपछि मेरो प्रेग्नेन्सीको बेलामा अर्ली प्रेग्नेन्सीको बेलामा नि मेरो डेढ महिनाको जति प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि मेरो डक्टरनिर जाँदाखेरि मेरो एउटा बच्चा खेर गएको थियो त्यो त्यहाँ डक्टरले भन्नुभयो जब हिस्ट्री मैले दिएँ डक्टरले भन्नुभयो कि तपाईँको अहिले युएसजी गराउने युएसजी गराइसकेपछि मैले त्यहाँबाट बच्चाको बिट छैन भने रिजल्ट आयो कि अनि त्यहाँ डक्टरले भन्नुभयो अब इनकेस तपाईँको बिट आ होइन ना तपाईँलाई नाइन्टी पर्सेन्ट चान्स छ कि तपाईँको बच्चा ऊ एवर्सन गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि मलाई एकदमै डर लाग्यो डर लाग्यो घरको मेम्बरहरूबाट पनि डर लाग्न थाल्यो त्य अनि त्यसपछि मैले बन्दी छोड सद्गुरु रामजी महाराजीलाई मैले प्रार्थना लगाएँ त्यसपछि प्रार्थना लगाइसकेपछि उहाँबाट मालिक आदेश आए परमात्मा दया करेंगे भाषा अनि त्यसपछि अनि डक्टरले मलाई भन्नुभएको थियो पन्ध्र दिनपछि आउनु मैले त्यही ठ्याक्कै पन्ध्र दिनपछि गइसकेपछि बन्दी छोड छ त रामपालजी महाराजको दायाले मेरो प्रेग्नेन्सीको बेलामा हर्टबिट आइसक्यो यो पनि मेरो एउटा लाभ हो ठुलो लाभ नै हो त्यसपछि मेरो एक दिन मैले ड्युटीबाट आइसकेपछि सात बजे ती बेलुका बाबुले खुवाउन जाँदाखेरि मेरो बाबुले भमिटिङ गर्यो के अनि भमिटिङ गर्दाखेरि उसको एकदमै ठु एकदमै धेरै एमाउन्टमा नि त्यो फुड पार्टिकल्सहरू नेजल पाइपमा गएर बसियो त्यसपछि मैले जुन नर्सिङ नर्सिङको जुन फर्स्ट एडहरू हुन्छ नि एउटा हेल्थ पर्सनलको नाताले त्यो गर्दा गर्दा नि त्यसले केही भएन तर बच्चाले एकदमै मुख खोलेर सास लिँदै थियो जस्तो घट्दै थियो एकदमै मलाई डर पनि लाग्यो तर जुन मालिकले भन्नुहुन्छ नि जति बेला तिमीले मलाई याद गर्छु त्यति बेला म हाजिर हुन्छु भने त्यही कुरा मलाई एकदमै सत्सङ्गबाट याद आयो अनि त्यति बेला दुई पछि मैले मालिकलाई एकदमै याद आइसकेपछि दुई घन्टाको पछि अनि मैले मालिकलाई एकदमै डन्डवर्ट गरेँ हे मालिक तपाईँ तपाईँको बच्चा हो तपाईँ आफ्नो बच्चालाई कसरी इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ तपाईँ गर्नु म त केही सकेन म त निचातमा म केही गर्न सकेन मालिक अब तपाईँले नै जे गर्ने हो गर्नु अनि ठ्याक्कै मैले डन्डवर्ट गर्दाखेरि मालिकको दयाले मेरो बाबुले एकदमै यस्तो यसरी गर्न थाले कि बाबुले मेरो हाँसी घट्दाखेरि यत्रो फुड पार्टिकलबाट निकाल्यो कि फुड पाइ फुड पाइ के अरे नेजाल भाइबाट यस्तो निकाल्यो फुट पार्टिकल्स अनि त्यसपछि मेरो बच्चाले खेल्न थाल्यो अनि त्यसको यस्तो फिलिङ भयो नि कि त्यो मेरो बाबुले केही भक्कै के छैन मेरो बा सबभन्दा ठुलो मेरो इम्प्रुभमेन्ट यो हो कि लाभ हो बन्दी छोड सतगुरु रामपालजी महाराजको दयाबाट हो मेरो श्रीमानले के केही समय भक्ति गरिसकेपछि उहाँले फेरि फ्यामिली प्रेसरमा आएर भोट भयो अनि फेरि मैले अलि टेन्सन पनि मलाई नै हुन थाल्यो अनि त्यस्तो राम्रो भक्ति छोडेर अनि फेरि उहाँले भोट भयो भनेर तर मनमा त मेरो आशा थियो ऊ के अरे विश्वास पनि थियो कि बन्दी छोड सद्गुरु रामजी महाराज फेरि उहाँलाई लिएर आउनुहुन्छ भनेर अहिले फेरि उहाँ भक्तिमा जोड्नुभयो सबभन्दा ठुलो मेरो लागि यही लाभ हो आर्थिक लाखमा पहिला म बेरोजगार थिएँ त्यति बेला मेरो जब थिएन अनि त्यसपछि नाम दिशा लिइसकेपछि मेरो जागिर पनि भयो त्यसपछि मलाई जागिर भइसकेपछि पैसा आर्थिक स्थिति पनि एकदमै राम्रो सुधार भयो तपाईँ विज्ञानका विद्यार्थी हुनुहुन्छ र साथै मेडिकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ तर तपाईँ भगवान र भक्तिबाट लाभ भएको भन्नुहुन्छ अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा यसलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ यस्तो हो अब साइन्स र भगवान् दुइटै हो कि साइन्स भनेको एउटा भगवान्कै एउटा हङ्गा हो किनभने यो पृथ्वीको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि भगवान्ले यसको सबै जुन रचनाहरू छ डिस्टेन्स छ सबै बताइसक्नु भएको रहेछ त्यसपछि साइन्सले रिसर्च मात्रै गरेको हो साइन्स पनि एउटा मेडिकल पर्सनले भन्छ कि भगवान् छैन तर हामी डक्टर नर्स भएर एउटा मेडिकल पर्सनको नाताले जुन डक्टर नर्स जुन काम गरेको हुन्छ जुन क्रिटिकल एकदमै केस आएको हुन्छ त्यति बेला केसलाई बचाउन सकिएन भने त्यति बेला हामीले नि भन्छौँ यो भगवान्ले नि बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर भगवान् एकदमै ठुलो हो भनेर मेरो विचार एकदमै ठुलो हो भन्ने म त भन्छु सुनिन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजले बर्मा विष्णु महेशको भक्ति छोड्न प्रेरित गर्नुहुन्छ तपाईँले पनि सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा लिएपछि उहाँहरूको भक्ति छोड्नुभयो सन्त रामपालजी महाराजले बर्मा विष्णु महेशको भक्ति नछुडाएर बरु उहाँले जुन बर्मा विष्णु महेशको जुन शास्त्र अनुकाल अनुकूल जुन भक्ति छ जस्तो हाम्रो फ फर्स्ट मन्त्रमा जुन पहिलो मन्त्र छ जुन मन्त्रमा बर्मा विष्णु महेशकै जुन मूल के अरे शास्त्र अनुकाल जुन मन्त्र छ त्यही मन्त्र दि दिनुहुन्छ अनि सन्त रामपालजी महाराज भन्नुहुन्छ तिनो देवा कमल दल बसे ए बर्मा विष्णु महेश प्रथम इन्की वन्दना फिर सुन सतगुरु उपदेश यानीले नै यस स्पष्ट भइरहेछ कि बन्दी छोड सद्गुरु रामजी महाराजले हामीलाई बर्मा विष्णु महेशकै मन्त्र दिनुहुन्छ दी, सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा प्राय अशिक्षित व्यक्तिहरू अन्ध श्रद्धापूर्वक जोडिन्छन् भन्ने सुनिन्छ तर तपाईँ फेरि शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ व्यक्तिहरूको यो धारणाप्रति तपाईँको के विचार छ यस्तो भन्दै हो कि प्राय हामीले हेर्दाखेरि यहाँ शिक्षित नै आउनुहुन्छ किनभने जुन उहाँले जुन शास्त्र छ चा, जति चार वेद अठार पुराण छ पुरै पल्टाएर हेराउनुहुन्छ कि पुरै यसमा यस्तरी भनेको रहेछ भनेर पुरै हामीले शिक्षित व्यक्तिले बे, नै त्यहाँ हेरेर पढेर मिलाएर बरु आइराख्नु भएछ किनभने शिक्षित र अक्षित अशिक्षित भनेको एउटा छुट्टै कुरो भयो किनभने जुन मानव जीवनमा मानव जीवन पाइसकेपछि मोक्ष त सबैलाई चाहिन्छ तर जुन हाम्रो जुन वेदहरू छ जुन वेदहरू जुन मन्त्र बताइएको छ उहाँहरूले प्राय शिक्षित व्यक्तिहरूले नै जुन मिलाएर कम्पेयर गरेर कुन सही हो कु, कुन गलत हो भनेर उहाँबाट नाम दीक्षा प्राप्त गरिराख्नुभएछ ठुला ठुलाहरू एसपी डिएसपी के अरे डक्टर नर्सहरू टिचरहरू भयो जजहरू भयो उहाँहरू सबै भएछ नपढेको मान्छे पनि आइराख्नु भएको रहेछ वर्तमान समयका धेरै युवावर्गहरू रमाइलो गरेर जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने धारणा राख्छन् र भक्ति त बुढेसकालमा गर्ने कुरा हो भन्ने सोच राख्छन् उनीहरू भक्ति गरेर समय व्यर्थ फाल्नु हुँदैन भन्ने विचारमा छन् तपाईँको यस विषयमा के धारणा छ र यस्तो सोच भएका युवावर्गलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ के अरे हाम्रो भोलि जब हाम्रो मानव जीवन भइसकेपछि कति बेला हाम्रो मृत्यु आउँछ भने ग्यारेन्टी हुँदैन आज आज जन्म भयो भोलि मृत्यु पनि हुनसक्छ आज हामी मैले दस वर्ष बिस वर्षको छु भोलि पन्ध्र वर्ष गएर मेरो मृत्यु हुनसक्छ मान्छेको भनाइ छ कि वृद्धावस्थामा भक्ति गरिन्छ यो होइन किनभने हाम्रो मृत्यु कति बेला आउँछ भने थाहा हुन त्यही भएर हामीले यो मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि सानैदेखि सानैदेखि भक्तिमा लाग्नुपर्छ तथा यसबाट भक् सही सही शास्त्र अनुकाल अनुकूल भक्तिले हामीलाई जुन मानव जीवनको लागि जुन चाहिएको छ घाँस बाँस कपास त्यो सबै हामीले यहाँ भक्ति गरेर भगवानको कृपाले हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ अहिले यो इन्टरभ्यू हेरेर बसिरहेका दर्शकहरूलाई तपाईँ हाम्रो टिभी च्यानलको मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो इन्टरभ्यू हेरेर रा बसिराख्नु भएको समाजलाई के रे यो मानव जीवनको जुन मूल उद्देश्य छ मोक्ष प्राप्त प्राप्त गर्नु यो मोक्ष प्राप्त गरेर आफ्नो मानव जीवनलाई कल्याण गराउनु म यही सन्देश दिन चाहन्छु सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ नेपालको डिफ्रेन्ट टिभी च्यानलहरूमा र सोसल मिडियाको डिफरेन्ट प्लेटफर्महरूमा सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग चलेको हुन्छ सत्सङको तलपट्टि जुनपट्टि चलेको हुन्छ जुनमा मोबाइल नम्बर इन्डिकेट गरेको हुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर टिपेर सम्पर्क गरेर तपाईँले नाम दीक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनको लागि कति शुल्क सन्त रामपालजी महाराजबाट नान्दी छलिनको लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन एकदमै फ्री हो धन्यवाद अब जगतगुरु गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गको माध्यमले त्यो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानको बारेमा जान्नेछौँ जसको माध्यमले तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यस्ता आध्यात्मिक मानसिक र भौतिक सुख

कबीर परमेश्वर जी अल्लाह अकबर ग्रेट गॉड कंप्लीट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है पुण्यात्मा आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के कारण हम अपने मानव शरीर को इस मानव जीवन को संसारिक कार्यों में ही नष्ट कर जाते हैं जबकि इस मानव शरीर का एक विशेष कार्य परमात्मा ने बताया आकर के, के मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है यदि आप जी परमात्मा की भक्ति करते रहोगे तो आपके सांसारिक कार्य भी उस गॉड पावर से परमात्मा की शक्ति से आसानी से होते रहेंगे और आप अपनी सारा जीवन में नहीं कर सकते परमात्मा चंद ही वर्षों में कर देता है चाहे पृथ्वी का राजा हो कितना धनी व्यक्ति हो जब वो अपने प्रयत्न से थक लेता है और जहां भी कोशिश करता है उसको उल्टा ही पड़ता है तब वो भी परमात्मा से ही अर्ज करता है तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यदि आप जी पहले ही मेरे से संबंधित हो जाओगे मेरी पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपको फिर सदा वो सुख मिलता ही रहेगा जो परमात्मा देता है जब हम दुखी होते हैं परमात्मा की खोज करते हैं आत्मा को ये पूरा ज्ञान है कि जो सुख भगवान दे सकता है वो इंसान नहीं दे सकता चाहे राष्ट्रपति से भी आप मेल कर लो उसकी भी असमर्थता होती है लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है इसलिए उस परमेश्वर ने आके स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताया है क्योंकि जब तक भगवान आकर स्वयं ज्ञान नहीं देते तब तक इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित संत साधु फकीर ब्राह्मण मुला का जी जो भी जिस धर्म का प्रवक्ता है वो काल प्रेरणा से और अज्ञानता के कारण वो इस काल भगवान की ही महिमा बताता है जो ना सुख दे सकता है केवल दुख ही दे सकता है यदि कोई व्यक्ति आम की महिमा बता बबूल का बीज दे देता है कीकर का वो गुण तो गा रहा है आम के कि शीतल छाया होती है काटे रहित होता है मीठे फल लगते हैं आम के गुणों में तो ऐसा ही लिखा है लेकिन बीज बबुल का बो देने से बीज देने से वो उसको कांटे ही प्राप्त होते हैं। आम नहीं प्राप्त हो सकते ठीक इसी प्रकार जितने भी परमात्मा से अप्रीतित ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी पीर हुए हैं वो चले तो थे आम की खोज में लेकिन काल प्रेरणा से प्रेरित ये अन्य ऋषि महर्षि मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली कि क्र आम के धोखे में तो पुण्यात्मा वो किकर इतनी बीज दी केशदास दास के लिए उन सब को साफ करना कठिन हो रहा है अब हमें उस आम की महिमा का पता चला अन्य संतों ने जो जानकारी दी उनका इतिहास उनका अनुभव उनके प्रवचन सुने और पढ़े तो पता चला कि वो तो गाते आम का और बीज बोरख्या है बबूल का तो उनके अनुयायियों को सुख हो ही नहीं सकता वो पूर्ण परमात्मा की महिमा सत्य पुरुष अमर पुरुष अकाल मूर्त की महिमा सुनाते हैं लेकिन मंत्र सारे जो मंत्र हैं नाम है वो बीज है वो बबुल का दे है वो काल की साधनाएं कर रहे हैं तो बबुल बो के आम की इच्छा रखना भी मूर्खता है आम का बीज बो है और फिर उससे हम आस्था बनाए कि इसके आम लगेंगे तो लगेंगे ही लगेंगे तो यथार्थ भक्ति जो है सत भक्ति सत ज्ञान वो तो है आम का पेड़ और गलत ज्ञान गलत साधना गलत मंत्र वो है बबुल के बबूल का बीज तो दास ने विश्व के सभी ग्रंथों को जाना समझा विश्व के सभी वर्तमान के धर्मगुरु प्रवक्ताओं के इतिहास पढ़े उनका अनुभव देखा उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सदग्रंथों के विपरीत सुना रखे और जिसका भयंकर परिणाम उनके अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है कोई सुखी नहीं परमात्मा के लिए निकले थे जहां से चले थे वहीं खड़े हैं उल्टे दुख और शुरू हो गए उनको तो पुण्यात्मा जब आपको यथार्थ ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच अभी तक तो हम अपना व्यर्थ जीवन कर रहे थे तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति अच्छे काम करना और अपना निर्वाह के लिए भी प्रयत्नशील रहना और निर्वाह भी भगवान ही दया बख्शेगा तब होगा वैसे तो जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते आपको केवल आपका संस्कार ही मिल रहा होता है संस्कार बनता है पूर्व जन्म के शुभ और अशुभों से जिनके अशुभ अधिक हैं उनको दुख गने हैं जिनके शुभ ज्यादा हैं किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है और जिनके संस्कार में जिनके प्रारब्ध के अंदर किस्मत के अंदर सुख है वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे को क्योंकि उनके पूर्व जन्म की वो बैटरी चार्ज है जो उसने पहले जन्म में कर रखी है अर्थात शुभ कर्म संचित कर रखे हैं संग्रह कर रखे और वो उसके काम कर रहे हैं। अब चाहे वो भक्ति करे या ना करे उसको वो तो मिलेगा ही मिलेगा और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे उसकी वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं भविष्य की जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है जिस कारण से फिर वो उस व्यक्ति पर आपदाएं पर आपदाएं आवेंगी आपत्ति पर आपत्ति पड़ेगी फिर बहुत देर हो चुकी होगी और जिनके भाग्य में दुख हैं, अधिक हैं, तो वो कितनी कोई सी साधना कर रहा है तो उसको दुख ही प्राप्त हो रही है और उन दुखों के निवारण के लिए वो परमात्मा की खोज में निकलता है वो जहां भी जाता ये काल के एजेंट बैठे हैं वो बेचारा हार थक के और अपना जो हानि है उसको प्राप्त ही कर लेता है और रो रो के अपना समय व्यतीत करता है त्रिपुनात्माओं तो पूरे विश्व में एक ही भगवान है सबका मालिक वही है पापों का नाशक वही है सुखदायी परमात्मा वही है मोक्षदायक वही है उसकी भक्ति हमारे तक पहुंची नहीं और जब वो भक्ति उसकी मिलेगी तो दुख नहीं रहेंगे वो सुख का सागर है तो वो भक्ति इस दास के पास है परमात्मा ने मेर करी है इस दास के नीज़ी नीज़ी और इस काल ने इतने ये अज्ञानी संत छोड़ दिए ये इस भक्ति का इस मार्ग का विरोध करने पर तुले हुए हैं क्योंकि वो जनता के इतिसी नहीं शत्रु हैं शुरू से शत्रु का काम कर रहे हैं और इस मार्ग में जो बाधा कर रहे हैं परमात्मा के में तो वो एक घोर पाप को इकट्ठा कर रहे हैं बाद में पछताएंगे वो तो इसलिए आप जी का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक प्राणी को अपने मित्र को भाई को बहन को रिलेटिव को समझाएं काल के जाल से निकालो उनको वो भयंकर दुख का सामना कर रहे हैं और इस मनुष्य जीवन को नष्ट करके आगे जो उसके उनके ऊपर कहर टूटेंगे वो पुण्यात्माओं अभी पता नहीं उनको और इस परमात्मा की शरण में आने से वो हर दुख से छूट जाएंगे एक प्राणी को उस गलत साधना से हटाकर इस कबीर परमेश्वर के इस सत्य मार्ग से जोड़ने का इतना पुण्य है उस उस व्यक्ति को जो उसको वहां से सुलझा समझा के भगवान के दरबार में ले आता है इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊ को और हथे में कटते हुए बचा दी जाए करोड़ गायों को कसाई से छुटवा दिया जाए जो काटने को तैयार है इतना पुण्य होगा उस व्यक्ति को दो एक प्राणी को यहाँ लाकर जोड़ देगा क्योंकि उस बोली आत्मा को ज्ञान नहीं वो फंस गया उन नकलियों के और उनको पूर्ण संत मान करके उनके चिपका हुआ है पूर्व संस्कार से चाहे उसको कोई लाभ भी हो रहा है तो वो ये सोच रहा है संत की साधना से हो रहा है अब संत की साधना का तो इस दास के साधना से तुलना करके पता चलेगा वो ठीक है कि गलत है। तो सच साधना ना करके गलत साधना करने से उस प्राणी के ऊपर भविष्य में कितने दुख होंगे कभी पशु बनेगा कभी पक्षी बनेगा आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महावीर जैन जी की जीवनी उसमें वो साठ करोड़ बार तो गधा बना तीस करोड़ बार कुत्ता पशु योनि के भी इतने लगातार दुख भोगने पड़ते एक कुत्ते के जीवन तीस करोड़ हाथी के जीवन साठ करोड़ गधे के जीवन साठ करोड़ और फिर जाकर के कभी कोई मानव शरीर प्राप्त होता है तो उस पुण्यात्मा को जो यहां आ गया उसके ये सारे दुख मिट जाएंगे उसका फिर पुनर्जन्म या तो होगा मनुष्य का ही और अन्यथा थव सी चला जाएगा दो ही बात है दीवार्ट, 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 दीवार्ट। लेकिन दास ये प्रार्थना करेगा कि पुनर्जीवन मनुष्य का भी ना प्राप्त करने की इच्छा रखना या इच्छा दासी जम की खड़ी रहे दरबार ये जो इच्छा है ये काल की एक खास नौकरानी है और आपको यहां उलझा के रखती है तो इस इच्छा को मनुष्य जीवन भी पुनः मिले ये भी इच्छा मत रखना दे क्योंकि परमात्मा बताते हैं स्वयं आकर के उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया जैसा कि उनका विधान है आप जी को बहुत बार समझाया है बताया है कि वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान है लेकिन इन चारों वेदों में उस परमात्मा के पाने की विधि नहीं है तो जब तक विधि नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान अपने स्थान पर है और विधि नहीं मिली तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि चार वेद और पुराण अठारह चार वेद और पुराण अठारह ये एक उजड़ झेरा है झेरा कुआ बोलते हैं जिसमें पानी ना हो गहराई बहुत हो उसकी गिर जाए तो उसमें निकलन का रास्ता नहीं ना मरे ना जीवे। कहते हैं ये जो ज्ञान है वेद सत्र का पुराण सत्र का कहते हैं यो एक उजड़ झेरा है और सत मार्ग तो इससे उचेरा है अलग है ऊंचा है ये उज्जट जेरा क्यों बताया क्योंकि इसमें महिमा तो है परमात्मा की लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है जैसे कुएं में पड़ गया किसी ने पता तो कुए में गिर गया नशे में गिर गया और साधन बार निकल का है नहीं तो उस ज्ञान का क्या फायदा कि मैं कुएं में पड़ा हूं तो साधन साथ हो निकलने का तो जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उनको जो ज्ञान दिया है वो उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद का समर्थन करते क्योंकि उन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है वो सचखंड गए हैं सतलोक गए हैं फिर उनको भगवान ने वापस छोड़ा है तो वो गवाह वहां भगवान के उस सतलोक और सचखंड के और अन्य जितने भी संत महात्मा गुरु धर्म गुरु पूरे विश्व के वो परमात्मा को निराकार बताते हैं तो उन भगवान पाया कहा उन्होंने मिला कहा भगवान और भगवान नहीं मिला तो वो झूठे हैं उनको कख नहीं पता और जिनको भगवान मिला उन्होंने परमात्मा बताया है कि वो साकार है नर आकार है मनुष्य दृश्य है सरीर है उसका नाम कबीर है और सभी धर्म ग्रंथ हमारे मनुष्य को सा, परमात्मा साकार बताते हैं और हमारे धर्म गुरु उसको निराकार बताते इससे वो गुरु नहीं है वो नकली है सारे झूठे हैं तो उस परमात्मा ने जो ज्ञान बताया आकर के उन्होंने बताया कि मानुष जीवन दुर्लभ है वही मिल्बार और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिर वो बहुत नहीं लगता डार। क्या बताते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया सतलोक देखा वापस आए उनमें से कौन कौन है आदरणीय धर्मदास साहिब जी आदरणीय मलुकदास साहिब जी आदरणीय नानक साहब जी आदरणीय दादू दास साहेब जी आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले आदरणीय आदरणीय गीसा दास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है कि इनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुष अल्लाह अकबर ग्रेट गॉड वो स्वयं सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आए और उनको मिले उनको सचखंड लेकर गए फिर उनको वापस छोड़ा उन महापुरुषों ने फिर आके बताया है कि परमात्मा साकार है नराकार है और सचखंड की जानकारी उन्होंने यथार्थ बताई तो अभी तक उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो लोकोक्तियों के माध्यम से बताया शब्दावलियों के माध्यम से यानी पद्य भाग में वर्णन किया और पद्य भाग के अंदर कोडवर्ड अधिक होते हैं क्योंकि राग बनाने के लिए उसमें कुछ शब्दों को उस राग के अनुकूल बनाना पड़ता है तो उसको समझना जन साधारण के बस की बात नहीं होती तो उन महापुरुषों का एक खास उद्देश्य था कि ये रहस्य भी बना रहे नकली संतों को इसका ज्ञान भी ना हो और जब परमात्मा ने निर्धारित समय ये बना रखा था इसमें इस दास को भेजना था और इस दास को अकल दे करके कबीर भगवान ने अकल दी और उन कोड वर्डों को ठीक से जाना और समझा और जिससे आपका कल्याण संभव है तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है उसको वेद कहते हैं उसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे हीरे माणक मोती ये जग चुगता ढेल रे सत साधना रूपी तत्व ज्ञान रूपी हम हीरे और मोती बखेर रहे और ये बोले श्रद्धालु तत्व ज्ञान से अपरिचित इस सत्साधना को ठुकरा कर आनुपासना काल तक की साधना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे चारों युग में संत पुकारे कुक कहा हम हेल रे हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढे लगे हमारा ज्ञान किने ना सुनिया ये पर भी लेन जात है दुनिया तो पुण्यात्मा परमात्मा ने आकर बताया इन महापुरुषों को मिले किन किन को जैसे अभी आपको उनके नाम गिनाए उनमें से एक है आदरणीय ग्रीवदास साहिब जी आदरणीय ग्रीवदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना विशेष रहस्य दिया और उनके द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई यथार्थ रूप में उन्होंने क्या बताया है कि कोट जन्म तो भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगे और कुकर सुक्र खर बोरे कौआ हंस बगारे क्या बताया है कि आप जी ने असंग जन्म हो गया बटक चा ने अप्रसंग चला था कि पूर्ण परमात्मा की साधना से प्रत्येक प्राणी को सुख हो सकता है पूरे विश्व के प्राणी जितने चीटी से लेकर हाथी हैं और मानव शरीर प्राप्त है इस परमात्मा की भक्ति से और इस सच्चे ज्ञान के प्रचार से सर्व प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जैसे जिनको मानव शरीर प्राप्त है उनको तो संशय है ही नहीं यदि मर्यादा में रहेंगे और ये भक्ति करेंगे तो वो सभी पार हो जाएंगे मानव शरीरधारी प्राणियों को तो संशय है ही नहीं और इतनी आसान भक्ति है इसमें और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है आउटपुट कैसे ज्यादा है जो सतनाम आपको दिया जाएगा जो आज तक रहस्य बना हुआ था परमात्मा ने इसको छुपा के रखा था केवल उन महापुरुषों को दिया था जिनके नाम दास ने गिनाए हैं आदरणीय धर्मदास साहिब जी को आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को आदरणीय नानक साहिब जी को आदरणीय दादू साहिब जी को आदरणीय गरीबदास साहिब जी आदरणीय गीसादास साहिब जी को आदरणीय मै ऋषि रामानंद जी को इनको तो परमात्मा ने सतनाम दिए थे उन्होंने जाप भी किए लेकिन आगे उनको बताने की आज्ञा नहीं थी आगे नाम दान करने की उनको सख्त मनाई थी धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाए परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने धर्मदास जी से कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये मूल ज्ञान अभी कहीं बार ना जाए मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिजली पीढ़ी हंस नी तेरी पुनात्मा आप कितने भयंकर स्थान पर रह रहे हो जहां परमात्मा ने भी अपने आप को गुप्त रख के और यहां तक लाना होता है इस भक्ति को नहीं तो काल चाहता है भक्ति करे नहीं नास्तिक हो जावे जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे और जब तक उन पुनकर्मियों के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए जो पहले वाले व्यक्ति थे तो उनके लाभ तो हो रहा था उनके पूर्व जन्म के पुनों से वो ये सोचते रहे कि वर्तमान की साधना से हमें लाभ हो रहे महात्मा बुद्ध के द्वारा गई साधना से आने वाले समय में हम कलयुग के निकट आते चले गए हमारे पुनः अक्षिण होते चले गए हम जन्म के पुनः रहे नहीं और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताएगी साधना से कुछ होना ही नहीं था तो उन उसकी साधना से अन्य को कोई लाभ होना बंद हो गया तो उन्होंने सोच लिया कि कोई भगवान नहीं और भगवान का नाम मुशान मिटवा दिया रूस के अंदर नास्तिकता और चीन के अंदर और चीन के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी है तो पुण्यात्मा ये कालता है कि भक्ति ना करें नास्तिक हो जा भगवान को याद करना है भूल जा और कोई भी मेरे जाल से बाहर ना जावे और यही कार्य इरादा स्वामी पंथ दन धन सतगुरु पंथ निरंकारी पंथ आसाराम जितने भी संत ला रखे काल ये सारे शास्त्र भी साधना दे रहे और वहां जब प्राणी जाता है जिसके जन्म के पुण्य हैं उनको तो सुख होना ही था उन पुण्यों से हो रहा था अब 20 बीस बीस तीस वर्ष हो गए जिन पुन के उनका सर्वनाश हो गया क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तो होना ही नहीं था उनके पुण्य थे वह खत्म हो गए अब दुर्गति तो होनी थी वह तो अब कुछ दिनों में अगर ये साधना भगवान दया ना करते इस मानव के ऊपर तो विश्व में नास्तिकता फैल जाती और हाहाकार मच जाता थोड़े ही दिनों में आने वाले सौ वर्ष बहुत भयंकर होते इस विश्व के अब यह फिर शांति होगी जनता जो तो माया की दौड़ में लगी है आपको भगवान इतने सुख देगा आपने कदे सपने में सोचे भी ना होंगे शायद सुने भी ना होंगे तो भगवान को इसलिए खोज रहे हम हमारे दादे पटदादे थे भगवान के लिए मर मिटा करते थे हजारों वर्षों तक उन्होंने साधनाएं की परमात्मा पाने के लिए जीर्ण शीर्ण शरीर हो गए उनके और जो भी जिस संत ने साधना बताई जो क्रियाएं बताई जो मर्यादा बताई उन्होंने सर दढ़ से की बाजी ला कर उनका पालन किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं क्योंकि वह साधना सत्य नहीं थी शास्त्र अनुकूल नहीं थी वह गॉड गिवन नहीं थी वो काल गीवन थी इस काल की दीवी थी अब जो गॉड गिवन साधना इस दास के पास उपलब्ध है और यही कारण है कि यहां देख रहे हो भौतिक सुख भी मिलेंगे शारीरिक सुख भी आपको मिलेगा क्योंकि ये आपका पिता है और दुखी बालक कितना लुट पिट के घर में घर आ जा तो माता पिता फिर भी उसको प्यार देते कोई बात ना बेटा आनी होगी आगे सावधान हो जाना तो उसी में खुश हो जाते हैं तो ये अपना पिता है इसके दरबार आने के बाद फिर ये दुखी नहीं होने देगा दुखी हो गए तो आप मर्यादा तोड़ देने से होंगे आपको यदि राहत नहीं मिलेगी तो मर्यादा टूट जाने से तो मर्यादा सबसे प्रथम है भगवान की जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना परमात्मा कहते हैं जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर तो पुणात्मा आप मर्यादा तभी रखेंगे जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तो ज्ञान से परिचित कराने के लिए सब सत्संग किया जाता है आपको सीडी बनाकर बना कर दी जाती है पुस्तकें बना रहे हैं भक्त आप तक पहुंचा रहे हैं तो इस ज्ञान को समझने के बाद फिर आप ना तीन ठगों से ठगोगे जो पग 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 और बैठे हैं कित हाथ देखनीय पतरा देखनी है कित नकली संत निर झूठ बोलना सारे दिन बकवाद गढ़े क्योंकि आपको ज्ञान नहीं और दास चाहता है कि आपको ज्ञान दूं मास्टर बना दूं आपको ताकि इनकी ठगों की ठगाई में आप ना आए आपका जीवन सफल हो आपके बच्चे सुखी रहेंगे तो चला था कि जिस समय हम परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हमें सर्व सुख होगा बुनात्माओं एक सिकंदर लोधी नाम का मुसलमान राजा था दिल्ली का बादशाह था वो दिल्ली यानी भारतवर्ष का राजा था जो दिल्ली का शासक होता था उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष वर्ष के छोटे मोटे जितने भी नवाब होते थे राजा लोग होते थे वो उसके अधीन होते थे और उस समय भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान बलोचिस्तान इराक, ईरान और गजनी तक और यह सब भारत ही होता था सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी एक मुसलमान बादशाह था और उनका एक धार्मिक पीर था गुरु था पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों का वो मुखिया था शेख तकी और एक विशेषता हो जाती है एक कमजोरी हो जाती है मानव के अंदर जो जरा सा कोई पोस्ट पद प्राप्त कर लेता है किसी भी अक्षेत्र में उसके अंदर अभिमान बहुत हो जाता है चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो चाहे वो किसी प्रशासनिक पद पर हो उसमें स्वाभाविक है अहंकार हो जाता है और अंकारुष प्राणी को होता जिसको अपनी औकात का पता नहीं अपनी क्योंकि हम जीव हैं और जीव को जरा सा झटका नहीं उठा भगवान का या अपने कर्म का और फिर भी हम फूले फिरते हैं अहिता तपाय सुनो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज को मंगलमय सत्संग प्रवचन आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौँ लाभहरू प्राप्त गरे नमस्कार दाई नमस्ते के नाम पर्यो हजुरको मेरो नाम दिल सुन्दर अधिकारी घर कता हो हजुरको मेरो घर चाहिँ बागलुङ नेपाल म अहिले बसोबास गर्ने चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको दरबाङमा सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा कहिले आउनुभयो त विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी साल नौ महिना पच्चिस गते इस्वीसम्म दुई हजार चौध एक नौ नौ तारिक सन्त रामपालजी महाराजीसँग मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो भक्ति यही नै हो नि सर अब गाउँ घरमा बस्दाखेरि शिव भगवान् त्यसपछि ब्रह्म विष्णु महेश यिनीहरू नै हो अब भक्ति गर्ने भनेको अब जुन जुन गाउँमा अब सिकाउनुहुन्छ बुवाले गरेको यही नै हो गर्ने भनेको ढुङ्गा पूजा यता यो हरेलो फाला आदि इत्यादि नै भयो सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा कसरी जानुभयो त म तपाईँको एकदमै दुखी भएर अत्याधिक मात्रामा दुखी भएर म एकदमै भगवान् कहाँ भेटिनु होला कता भेटिनु होला भन्दै एकदमै भक्त गरिराखेको थिएँ त्यसपछि तपाईँको मलाई तिलक भगतजीले चाहिँ एउटा ज्ञान गङ्गा पुस्तक दिनुभयो र ज्ञान गङ्गा पुस्तकमा लेखिएको कुराहरू जस्तो चारवटा मलाई हामीलाई थाहा पनि थिएन कि हाम्रा यी वेदहरू यतिवटा हुन्छन् जस्तो चारवटा वेद हुन्छन् छवटा शास्त्र हुन्छन् अठारवटा पुराण हुन्छन् र श्रीमद् भगवत गीता हुन्छ भन्ने कुरा त्यति थाहा पनि थिएन र ज्ञानगङ्गा पुस्तक पढेर यो वेदहरूको बारेमा थाहा पाइयो त्यसपछि तपाईँको श्रीमद् भगवत गीतामा लेखेको कुराहरू थाहा पाइयो अनि सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा गइयो सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा जानुभन्दा अगाडि धेरै दुःखहरू भएको कुरा बताउनु भयो के ती सबै दुःखहरू सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा गएपछि समाधान भए त एकदमै सर हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो दु जति पनि थियो नि मसँग तपाईँको मलाई अब त्यो दुःखको खको कुराहरू अहिले गर्ने भने अब एउटा पुस्तक नै बन्छ त्यस्तो दु थियो अहिले चाहिँ तपाईँको सयमा सय पर्सेन्ट नै त्यो दु चाहिँ गएको छ मबाट सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा जानु भएपछि तपाईँको के के दुःखहरूको समाधान भएर हजुरले के के लाभ प्राप्त गर्नुभयो त जस्तो सुरुमा एक नम्बरमा त के थियो भने म अति दुखी थिएँ एउटा मेरो छोरा चाहिँ तपाईँको मैले यो पोखराको चाहिँ फेवासिटी हस्पिटलमा कानमा मासु पलायो भनेर उन्नाइस महिनासम्म मैले लगातार तपाईँको पहिला एक महिनामा ल्याएर अपरेसन गरेँ त्यहाँ चाहिँ चार दिनसम्म भर्ना गरेँ त्यसपछि अपरेसन गरेर लरेर गएँ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डाक्टर कृष्ण कोइरालाले हेर्नुहुन्थ्यो मेरो छोरालाई कानमा तपाईँको यो खालि एक एक महिनामा लिएर आउनुपर्छ कान सफा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो मैले उन्नाइस महिनासम्म मेरो छोराको अपरेसन गर्दा बेला तिन वर्षको थियो पाँच वर्षसम्म ऊ पाँच वर्षको हुने बेलासम्म मैले तपाईँको उसलाई चाहिँ लगातार फेभासिटी हस्पिटलमा ल्याइरहेको थिएँ अहिले घरमा छ त्यो रेकर्ड पनि छ रिपोर्ट पनि छ जब मेरो छोरालाई तिन तिनवटा अपरेसन गरेँ मैले मैले पोखरामा अपरेसन गर्न लगेँ ल्याएँ काठमाडौँमा लगेँ काठमाडौँमा लगेर पनि अपरेसन गर्दाखेरि भएन र रा सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा गएँ म पहिला त्यसपछि मैले नाम दीक्षा ल्याएको मैले नाम दीक्षा लिँदैको दिनमा दिनदेखि नै गुरुजी दया गरिदिनु भयो र अर्को कुरा के थियो भने यो बाबुको चाहिँ तपाईँको पेटमा ट्युमर जस्तै पानीको फोका जस्तै बिचको फोका पलाएको थियो त्यो फोका एउटा फोका चाहिँ निकाल्न सकियो अर्को फोका निकाल्न सकिएन निकाल्न नसक्ने नसक्नेको के अरे नसक्नाले डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो तपाईँको छोरा चाहिँ दुई महिनामा मर्छ भनेर भन्नुभएको थियो म चाहिँ तपाईँको एकदमै छोरालाई कसरी बचाउने के गर्ने भनेर एकदमै भक्तानी राखेको थिएँ मैले पोखरा काठमाडौँमा गरेर तिनवटा अपरेसन गरेँ मेरो छोरा तिन वर्षको हुँदाखेरिबाट अपरेसन गर्न सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म अपरेसन गर्दाखेरि पनि काठमाडौँको ठुलो अस्पतालको डाक्टरजीले मलाई के भन्नुभएको भने तपाईँको छोराको आयु अब जम्मा दुई महिनाको छ अब योभन्दा उपरान्त हामीले बचाउन सक्दैनौँ तपाईँ चाहे इन्डिया लैजानुहोस् चाहे अमेरिका लानुहोस् तपाईँको छोरालाई बचाउन सकिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो त्यसपछि तपाईँको मैले घरमा पनि यो कुरा भन्न सकेको थिएन मैले मेरो छोरालाई चाहिँ डाक्टरले यस्तो भन्नुभएको छ भनेर मैले घरमा पनि भन्न सकेका थिएन किनभने घरमा अब सधैँभरि अब रुहावासी हुँदा आदि इत्यादि होला भनेर मैले भन्न सकेका थिएन अनि जब म दुई हजार चौधमा गुरुजीको सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा गएँ शरणमा गइसकेपछि उहाँ गएर मैले नाम दीक्षा लिएँ पहिला नाम नामदीक्षा लिइसकेपछि जब हामी जाँदाखेरि दुई हजार चौधमा चाहिँ तपाईँको बरुवाला आश्रम जानुपर्थ्यो वहाँ गएर नाम दीक्षा लिइसकेपछि गुरुजी आशीर्वाद दिने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो गुरुजी आशीर्वाद दिने सबैलाई आशीर्वाद दिने हुनुहुन्थ्यो हामी पनि त्यही लाइनमा लाग्यौँ र मैले मनमनमा सोचेको थिएँ हे परमात्मा हे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज म त हजुरको शरणमा आएको छु मेरो पनि तपाईँको छोराको अपरेसनको कारणले गर्दा छोरालाई मोर्छ डाक्टरले मोर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर हाई भएर तपाईँको एक सय दस बाई एक सय पैँसठी भएको थियो त्यसपछि मैले गुरुजीलाई मनभित्रबाट प्रार्थना लगाएको थिएँ हे गुरुदेव मैले मेरो प्रेसर त ठिक होला हजुरको शरणमा आएको छु मेरो छोरालाई मैले कसरी बचाउने भनेर मैले मन मनमा यो आत्माबाट सोचिराखेको थिएँ गुरुजी यताबाट सरासरा आएर मलाई चाहिँ शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो कि मैले मनको कुरा मैले मनमा सोचिराखेको कुरा गुरुदेवले यताबाट सरसरा आएर मलाई चाहिँ के भन्नु भने बेटा चिन्ता मत मत्कर तेरो बेटाको परमात्मा सौ वर्षको आयु डालिदिउँ ऐसे चिन्ता मत मत्कर बेटा भन्नुभयो त्यसपछिबाट अहिलेसम्म मेरो छोरालाई अहिलेसम्म जिम्दाको जिन्दैछ छोरा पनि जब मैले गुरुदेवबाट नाम दीक्षा ल्याएर मेरो छोरालाई गुरुदेवले यतिसम्म सय वर्षको आयु हालिदिनु भयो त्यसपछि सन्त रामपालजी महाराजीले मेरो छोरालाई सय वर्षको आयु हालिदिएपछि मैले मेरो छोरा पाँच वर्षको थियो त्यति बेला अहिले बाह्र वर्षको भयो मैले आजभन्दा त तिन वर्ष अगाडि अर्थात् ऊ नौ वर्षको हुँदाखेरि मैले जुन पहिला मर्छ भन्नुभएको थियो डाक्टर उहाँलाई लड देखाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो त अद्भुत चमत्कार हो यसलाई चाहिँ यो सानोतिनो रोग अब चाहिँ लाग्दैन होला किनभने उति बेला त मर्नी उस थियो मर्थ्यो यो केटा कसरी जिम्दै भयो भनेर अहिले हेरेर बस्नुभएको थियो डाक्टर साहबले तर सन्त रामपाजी महाराजीको आशीर्वादले चाहिँ मेरो छोरा अहिलेसम्म जिउँदैको जिउँदैछ र अर्को कुरा के थियो भने मेरो श्रीमती दुई हजार अठारको कुरा हो दुई हजार चौहत्तर सालमा एकदमै ठुलो बिमारी साउन महिना थियो एक महिनासम्म लगातार बिरामी भन् र उनलाई पनि म भित्र बिस्तारैबाट बोक्थेँ बोकेर बाइकमा राखेर स्टार्ट गरेर बाइक स्टार्ट गरेर हस्पिटलसम्म ल्याउँथेँ हस्पिटलमा ल्याएर फेरि बोकेरै घर लान्थेँ यस्तो मन्टो यस्तो हुन्थ्यो उनको फक्लकै पछाडि जान्थ्यो अगाडि उठाउनै नसक्ने बमिट भएको भई भक्कु भइ हुन्थ्यो के कारणले भयो त्यो पनि थाहा छैन डाक्टर साहबहरूलाई देखाइयो तपाईँको पोखरामा तिनवटा अस्पतालहरूमा चार्दा चार्दै पनि भएन निको भएन त्यसपछि जब जाम हाम्रो गुरुजी एकदमै दयालु हुनुहुन्छ परमात्मा दया गरिदिनुहुन्छ हाम्रो गुरुजी सन्त रामपालजी महाराजी एकदमै दया गरिदिनुहुन्छ र निको हुन्छ जाम भनेर ल्याएर सन्त रामपालजी रा, मन्त्र दीक्षा लिएपछि अहिलेसम्म चाहिँ कुनै यस्तो ठुलो रोगहरू अब सानोतिनो टाउको दुख्ने आदि इत्यादि त हुन्छ त्यो सबैलाई हुन्छ किनभने भक्तिको कमीले पनि हुन्छ र अहिले ठुलो रोगहरू भनेको हामीमा छैन अहिलेसम्म कुनै पनि कतिपय मानिसहरू भन्ने गर्नुहुन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजीसँग मन्त्र दीक्षा लिएपछि उहाँले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुट्याउनुहुन्छ यो विषयमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ होइन हामीलाई सन्त रामपालजी महाराजीले कहिले पनि यो ब्रह्मविष्णु महेशको भक्ति छोड भन्नुहुन्न किनभने हामीलाई उहाँहरूकै मन्त्र दिनुहुन्छ उहाँहरूकै मन्त्रद्वारा दिनु हामीलाई चाहिँ मोक्ष हुन्छ भनेर हामीलाई त गुरुजी त हामीलाई त उनीहरूकै जुन श्री ब्रह्माजी श्री विष्णुजी श्री शिवजी श्री देवी दुर्गा माताजी श्री गणेश भगवान उहाँहरूकै मन्त्र दिनुहुन्छ र उहाँहरूकै मन्त्रद्वारा हामीलाई मोक्ष गराएर लैजाने हो उनीहरूलाई नै खाना लाउन दिने हुन् भनेर उहाँहरूकै मन्त्र दिनुहुन्छ हामीलाई कहिले पनि यो भक्ति यिनीहरूको यो देवताहरूको भक्ति गर्ने होइन भनेर सिकाउनुहुन्न सन्त रामपालजी महाराजीसँग मन्त्र दीक्षा लिँदा कति शुल्क बुझाउनु पर्छ त हामीले त <Santharampal>: एक रुपियाँ पनि बुझाएनौँ र बुझाउनु पनि पर्दैन सर हामीलाई त तपाईँको एक रुपियाँ पनि लिनु हुँदैन सन्त रामपालजी महाराजीले नाम दीक्षा लिँदाखेरि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन एक रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन सन्त रामपालजी महाराजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सन्त रामपालजी महाराजीसँग नाम दीक्षा लिन चाहेमा घरमा सबैको घरमा टिभी हुन्छ र टिभीमा अहिले नेपालमा चाहिँ आठवटा च्यानलबाट सन्त रामपालजी महाराजीको सत्सङ्ग आउँछ र त्यो सत्सङ्गमा चाहिँ तपाईँको तलबाट पट्टीमा न नम्बर लेखेको हुन्छ फोन नम्बर वेबसाइटहरू लेखेको हुन्छ त्यहाँबाट उहाँहरूले जानकारी लिएर नाम छ लिन ना सक्नुहुन्छ धन्यवाद सत साहेब तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त राम्रीको मङ्गल प्रवचन अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट शुभ पूरा विश्व भरमा पाँच सय भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन् जसमा सन्त रामपाली महाराजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् अन्ठानब्बे পাঁচ এগারো উনানব্ব তিন